दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला कि किसी भी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हो, किसी भी एंड्रॉइड ऐप को कैसे आप छुपा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। चाहे आपने गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल किया होगा ना, वो भी ऐप को आप हाइड कर सकते हो। यदि आपके मोबाइल के अंदर कोई सिस्टम ऐप है, इनबिल्ड ऐप है, वो भी ऐप को आप छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। लाइक कुछ इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हो हिडन ऐप्स लिखा ना, तो काफी सारे ऐप को मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा हूँ, छुपा के रखा। कोई सिस्टम ऐप है, कोई गूगल प्ले स्टोर से हमने इंस्टॉल किया, सारा का सारा ऐप को मैंने हाइड किया। कैसे हाइड कर सकते हो? ये फॉन्ट डायलर के अंदर, ये जो आप फॉन्ट डायलर आप जो देख रहे हो ना, हम सभी के मोबाइल के अंदर इनबिल्ड होता है, जो कंपनी वाले खुद देते हैं। इसी फॉन्ट डायलर के अंदर कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने हैच लिखा और चार बार जो है ना यहाँ पे डबल वन लिखता हूँ, मतलब चार टाइम वन लिखता हूँ, हैच लिखता हूँ ना, तो ये देख सकते हिडन ऐप दिखने को मिल जाएगा। तो सारा ऐप को मैंने हाइड करके रखा। आप भी कैसे कर पाओगे, वो भी फोन डायलर के अंदर, ये सारा ऐप जो ना आपके यहाँ पे मोबाइल के होम पेज पे आपको दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने हाइड करके रखा। अगर आप भी कोई भी ऐप को छुपाना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, तो फोन डायलर के अंदर कैसे कर पाओगे बिना किसी ऐप के, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट में, नाम सितारे और आप देख रहे हो गटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल फ्री होता, लाइक करना कोई पैसा नहीं लगता, सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करना। कमेंट के अंदर हिडन ऐप लिखना होगा या नाइस वीडियो, आप सभी को लिखना काफी जरूरी है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों किसी भी ऐप को कैसे आप छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो, चाहे वो सिस्टम का ऐप हो, चाहे आपने गूगल प्ले स्टोर का ऐप हो, कोई भी ऐप को आप हाइड कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो हाइड करने के लिए मोबाइल के सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। तो जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं, जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां पे आपको प्राइवेसी नाम करके एक सेटिंग दिखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी सेटिंग पे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे काफी सारा सेटिंग मिलेगा। तो यहां पे आपको ऐप लॉक होगा और यहां पे हाइड ऐप्स होगा, ठीक है। तो आपको लॉक ऐप को नहीं क्लिक करना, ऐप लॉक को नहीं क्लिक करना, यहां पे हाइड ऐप्स को क्लिक करना होगा। यानी कि हाइड करना चाहता हूं, यानी किसी भी ऐप को छुपाना चाहता हूं मोबाइल के स्क्रीन पे ना दिखे। यानी कि हम किसी को मोबाइल देंगे तो वो मोबाइल के अंदर जो ना ऐप वो दिखेगा ही नहीं, तो वो बंदा ओपन नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप अपने फ्रेंड को मोबाइल देते या किसी को भी देते हैं तो ताकझाक करने की कोशिश करता है। और आप भी चाहते हो कि किसी भी ऐप को आप अपना प्राइवेसी ऐप को छुपाना चाहते हो, तो ये ट्रिक के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो जैसे आप यहां पे हिडन ऐप पे क्लिक करोगे ना, तो मोबाइल का स्क्रीन लॉक मांगेगा, तो यहां पे मैं लॉक यहां पे दे देता हूं, ठीक है। जैसे लॉक करने के बाद, उसे यहां पे देने के बाद, यहां पे जितनी भी ऐप होगा, चाहे वो सिस्टम का हो, चाहे आपने गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप ने इंस्टॉल किया होगा ना, सारा का सारा ऐप दिखने को मिल जाएगा। तो जो भी ऐप को आप हाइड करना चाहते हो, तो यहां पे आप क्लिक ऑन कर दीजिएगा। जैसे कि और भी सारा ऐप को मैं हाइड करना चाहता हूं, जैसे कि यहां पे व्हाट्सएप, ये कुछ ऐप को मैंने यहां पे हाइड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हो यूट्यूब को मैंने यहां पे हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद दोस्तों यहां पे ऑन करने के बाद, ये जो आप थ्री डॉट देख रहे हो ना, थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना होगा। यहां पे आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप सेटिंग्स में जाओगे ना, तो यहां पे एक और काम करना पड़ेगा। आपने शुरुआत में देखा होगा कि एक सीक्रेट कोड मैंने यहां पे डायल किया था, जो भी हिडन ऐप था उसको एक्सेस करने के लिए फोन डायलर के अंदर। तो वो नया सीक्रेट कोड आप कैसे बना सकते हैं अपने अनुसार, तो आपको यहां पे चेंज एक्सेस कोड होगा ना, इस पे क्लिक करोगे ना, तो जो भी आप यहां पे कोड बनाना चाहते हो अपने हिसाब से रैंडम यहां पे डाल दीजिएगा। यानी कि आपको बताना होगा, यहां पे सबसे पहले हैच डालना पड़ेगा, ठीक है। हैच डालोगे तो यहां पे 1 2 3 4 यहां पे डाल दिया, फिर से आपको हैच डाल करके आपको यस बटन पे क्लिक करना होगा। तो 4 सेकंड आपको वेट करोगे ना, तो ये जो कोड है ना, एक्सेस कोड है, ये जनरेट होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जनरेट हो चुका, डन पे आपको क्लिक कर देना। बस आपको ये छोटा सा काम करने के बाद आपको लेके चलता हूं यहां पे फोन डायलर के अंदर। जैसे मैं फोन डायलर के अंदर जाता हूं, जाने के बाद जो भी ऐप को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, हिडन ऐप को मैं यूज करना चाहता हूं, तो यहां पे आपको हैच 1 2 3 4 हैच डाल देता हूं। जो भी ऐप को मैंने हाइड किया था वो ऐप यहां पे दिखने को मिल जाएगा। लाइक कुछ इस तरह से, चाहे वो यूट्यूब ऐप हो, यहां पे मैं बैक कर देता, इस यूट्यूब ऐप को मैंने यहां पे बैक कर देता हूं, ठीक है। बैक करने का फिर से मैं यहां पे हैच 1 2 3 4 हैच, तो यहाँ पे व्हाट्सएप भी यहाँ पे ओपन हो चुका, जैसे कि आप देख रहे हो सारा ऐप यहाँ पे ओपन हो चुका। तो कुछ इस तरह से जो भी हिडन ऐप करना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो कोई भी ऐप को, तो ये ट्रिक की मदद से आप कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मोबाइल के अंदर खुद देता है। जो आप लोग को नहीं पता होता मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर आप दोस्तों आप चाहते हो कि वो जो आपने हिडन ऐप किया था, हाइड किया था ना, दोबारा मोबाइल के स्क्रीन पर दिखे, तो आपको छोटी सी काम करना होगा, फिर से
सेटिंग में जाना होगा, प्राइवेसी में जाना पड़ेगा, हिडन ऐप्स के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रीन लॉक का दे देता हूँ। देने के बाद दोस्तों जो भी आपने हाइड किया होगा ना, इसको बंद कर देना होगा ये सेटिंग को। जैसे बंद करोगे ना तो ये सारा ऐप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं यूट्यूब को सर्च कर लेता हूँ, YouTube आ चुका, यहाँ पे WhatsApp आ चुका, सारा ऐप देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हो, छुपा सकते हो मोबाइल के अंदर, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट करना। दोस्तों फिर मिलेगा दोस्तों अपने क्या लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।